ऑपरेशन पाताल के तहत जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर एक्ट और 25,000 रुपए का नामी बदमाश को मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। आपको बताते चले कि बदमाश के पैर में लगी थी गोली, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। गिरफ्तार किए गए बदमाश के खिलाफ पहले से भी विभिन्न थानों में दर्ज है कई मुकदमे। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से अवैध असलहा तथा कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के पिछले समय हुई बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ट्रक लूटने के मामले में वांछित चल रहा था। जालौन कोतवाली क्षेत्र के सहाव मोड़ के पास हुई है मुठभेड़। जालौन पुलिस व सर्विलांस तथा एसओजी टीम द्वारा सहाव मोड़ पे वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहा था, पुलिस ने रोकने का इशारा किया, परंतु वो वाहन ना रोक के बल्कि पुलिस पर उल्टा ही गाड़ी देते हुए फायर किया जी। जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ सुरक्षार्थ उसने भी फायर किया, जिससे उसे गोली लगी और घायल हो गया। मौके पर एक अदद तमंचा व कारतूस बरामद हुआ तथा अभियुक्त अंतरजनपदीय अपराधी है, थाना जालौन की 25,000 का इनामिया है और इसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले पंजीकृत हैं। एक गैंगस्टर का अभियुक्त वांछित थाने से चल रहा था। इस संबंध में थाना स्थानी पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया रहा तथा घायल को चिकित्सा हेतु अस्पताल रवाना किया गया।